विपक्षी एकता में जुटे नीतीश कुमार की एक परीक्षा तो हो गई जिसमें वो पास भी हो गए, लेकिन एक परीक्षा और होनी है और वो होगी शिमला में, वो भी 10 जुलाई या 12 जुलाई को। नीतीश कुमार ने पटना में उन नेताओं को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया जिनकी आपस में कभी बनती नहीं। पटना में महाबैठक की सफलता को देखते हुए अब अगली मीटिंग शिमला में आयोजित की जाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ असली रणनीति शिमला में ही बनाई जाएगी। तो सवाल यह है कि आखिर पटना में हुई महाबैठक में क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार की निगरानी में कोई फैसला नहीं लिया गया? और क्या नीतीश जो पिछले 2-3 महीनों से, या यूं कहें उससे भी पहले से, जो माहौल बना रहे थे कि विपक्षी एकता की बैठक पटना में होगी और 23 जून को ही सब तय होगा, क्या बैठक में कुछ ऐसा हुआ जो सामने नहीं आया और नीतीश ने अंदर ही अंदर कोई बात रख ली हो? आखिर बंद कमरे में 3 घंटे तक विपक्षी नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई? क्या इस बार वाकई में विपक्ष एकजुट हो जाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के दिलो दिमाग में तैर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कबूला कि सभी दलों में कुछ ना कुछ मतभेद है। मतभेद भले हो, लेकिन सबका एक ही इरादा है और वो क्या? बीजेपी को हराना। इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से ही विपक्षी दलों का संयोजक चुना गया है। मतलब साफ है कि विपक्षी एकता की अगुवाई के लिए नीतीश ही मेन है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को खुश करने के लिए बैठक में यूपीए की जगह नया गठबंधन बनाने का निर्णय लिया गया। मतलब अब यूपीए का नाम बदला जाएगा। हालांकि नया नाम क्या होगा इस पर अभी विचार किया जाना बाकी है। हो सकता है कि शिमला में होने वाली बैठक में यूपीए का नया नाम तय कर लिया जाए। बीते दिन जब ममता बनर्जी कांग्रेस को किनारे रखकर विपक्षी दलों का नया मोर्चा बनाने का प्रयास कर रही थी, तब भी कहा जा रहा था कि अब यूपीए का अस्तित्व खत्म हो गया है। इस बैठक के बाद ये तो साफ हो गया कि इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सभी विपक्षी दलों को एक छत के नीचे खड़ा करना था। हालांकि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्ष में अभी भी तमाम नेता हैं जो बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार को इसका कोई मलाल कतई नहीं। इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई चर्चा नहीं हो सकी, लिहाजा अगली बैठक में इस पर विचार हो सकता है। एक बात और देखने वाली बात है कि बैठक से पहले जो अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को लेटर दिया था कि दिल्ली अध्यादेश पर सबसे पहले चर्चा हो, सभी दलों ने साझे तौर पर कांग्रेस से साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ना ही इस बैठक में कुछ देखने को मिला। अब अंत में बात आती है सीट शेयरिंग की, कि आखिर इसको लेकर क्या बातें हुई। तो देखिए, जानकारी के अनुसार पटना में हुई बैठक में एकजुट विपक्ष के बीच सीट शेयरिंग के लिए फॉर्मूला बनाने की बात हुई। सभी दलों में सैद्धांतिक सहमति बन गई कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। जानकारी के मुताबिक जिस दल का जो उम्मीदवार पिछली बार जीता या दूसरे नंबर पर रहा, वो सीट उसी दल को दी जाएगी। हालांकि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सी सीट किससे मिलेगी, इन तमाम सवालों पर अब अगली बैठक में विस्तार से चर्चा हो सकती है। और सीट शेयरिंग ही एक ऐसा मुद्दा है जहां पेच फंस सकता है। बैठक के बाद भले ही ये बताया गया कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये काम आसान नहीं। और बार बार सवाल यही कि आखिर कैसे विपक्ष एक होगा जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस नहीं चाहिए। आखिर कैसे संभव है कि नीतीश सभी को एक साथ लाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले गए, ममता बनर्जी बीच में उठकर चली गई। देखा होगा आपने, क्या ऐसा माना जाए कि जो बात बिहार में नहीं बन पाई वो अब शिमला में बन पाएगी? सवाल कई है, लेकिन जवाब मिलेगा अगली बैठक में। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।